चलिए क्वेश्चन नंबर 176 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज प्लेनर एंड यूज्ड डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। प्लेनर भी है और हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल यूज हुआ है। बोले तो जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp3d होना चाहिए या sp3d2 होना चाहिए या फिर sp3d3 होना चाहिए। चलिए IF6-, देखिए सिग्मा तो 6 दिख रहा है साहब साहब। आयोडीन का आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, आई माइनस में 8 हो गया, 8 में से 6 ने सिग्मा बॉन्ड बनाया तो लोन पेयर यहाँ पर एक बचेगा, तो 6 × 7 हो गया तो sp3d तो हो गया भाई। sp3d3 है और एक ही लोन पेयर है तो इसका जो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी पेंटागोनल पिरामिडल नहीं होगी, क्या होगी बताइए, ये होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। sp3d3 में जब एक लोन पेयर होता है तो उसका होता है उसकी ज्योमेट्री होती है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, जो कि एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो ये तो गड़बड़ हो गया। XeO2F2 की बात कर ले, XE 2 तो डबल बॉन्ड आएगा है ना, फिर उसके बाद जो है 2 फ्लोरिन सिंगल बॉन्ड से। जेनॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 तो 6 6 तो बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर भी होगा। हाइड्रेशन की बात कर ले तो देखिए 4 तो सिग्मा, एक लोन पेयर sp3d हो जाएगा। sp3d है और एक लोन पेयर है, sp3d है और एक लोन पेयर है, तो ऐसी स्थिति में इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो सीसॉ होती है, जो कि एक नॉन प्लेनर है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। NO2+ में हाइड्रेशन निकालोगे तो sp आएगा जो कि एक प्लेनर है, लेकिन क्वेश्चन में कहता है डी ऑर्बिटल यूज होने चाहिए, तो ये तो sp वाला निकला, तो पहले ही गड़बड़ हो गया। अब ले देखिए यही आंसर होने वाला है, यहाँ देखिए सिग्मा है 5, जेनॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, Xe- में कितने हो जाएंगे बताइए, 9 में से 5 ने सिग्मा बॉन्ड बनाया तो लोन पेयर कितने बचे, 2, तो 5 सिग्मा लोन पेयर 2, तो हाइड्रेशन हो जाएगा sp3d3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, sp3d3 हो जाएगा और 2 लोन पेयर है, तो sp3d3 में जब 2 लोन पेयर होता है, जेनॉन को रखिए सेंटर में, ठीक है ना, और यहाँ पर इस तरह से एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, इस तरह से बनेगा, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसका जो मोलिकुलर ज्योमेट्री होगा, जो शेप होगा वो हो जाएगा पेंटागोनल प्लेनर, ठीक है ना। तो ये प्लेनर भी निकला और इसमें डी ऑर्बिटल भी यूज हो रहा है, तो करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 177 की बात करते हैं, 177 में कहता है कि द टू हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग द बॉन्ड एंगल 120 होता है कहाँ पर बताइए, 120 होता है बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। द परसेंटेज एस कैरेक्टर, तो sp2 के हिसाब से अगर आप परसेंटेज एस निकालोगे तो देखो यहाँ पर टोटल 3 ऑर्बिटल है, तो 100 में से 3 से डिवाइड कर दो तो 33% आएगा, तो 33% एस हो जाएगा, 33 33 33 ऐसे ही तो बटे, 2 पी ऑर्बिटल है तो ये दोनों पी बन के जाएंगे 66 और ये 33 एस बन जाएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है एस अपॉन का एस माइनस 1, थीटा है 120 डिग्री तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा कॉस 120 की वैल्यू, फिर उसके बाद यहाँ पर एस अपॉन का एस माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एस प्लस 1 इक्वल टू 2s, ये एस उधर चला जाएगा 3s इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1/3, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एग्जैक्टली यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2 तरीके, पहला जो तरीका है वो लॉजिकल सोचोगे तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा,
दूसरा है कि कैलकुलेशन करके भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 में 177 का क्या आंसर हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन डाइमर, इंपॉर्टेंट बात है डाइमर, डाइमर ऑफ BH3। BH3 का जो डाइमर होता है B2H6। BH3 के जब हम दो मोल को यूज करते हैं तो B2H6 बनता है, ठीक है। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, यहाँ पर ये sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी ज्योमेट्री ये कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर एच इस तरह से, ठीक है ना, और यहाँ पर एच एच, और यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड ऐसे रहता है, यहाँ पर इसके साथ, यहाँ पर बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन तीन सेंटर बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बोरोन जब BH3 जब डाइमर बनाता है तो B2S6 में कन्वर्ट हो जाता है, और B2S6 के इस बोरोन के स्ट्रक्चर को देखो तो आपको यहाँ पर चार बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो ये इसीलिए sp3 हो जाता है, ये एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो डाइमर में sp2 sp3 में कन्वर्ट हो जाता है, और BH2 जो है ये पहले से sp है, ये बाद में Be2H4 बनाता है, और हाइड्रेशन एक बढ़ जाता है sp वाला, sp2 में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 179 कहता है इन NO2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन एटम अंडरगोज, NO2 में नाइट्रोजन का हाइड्रेशन आपको बताना है, N डबल बॉन्डो, फिर यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर देखिए टोटल नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल होते हैं 5, आउटर मोस्ट में 5 में से 2 तो इधर बॉन्ड बनाया, 2 इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज का हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करते हैं, जब यहाँ पर पेरीफेरी में बोले तो साइड वाले एटम जो सेंटर से जुड़ा हुआ है अगर उसका EN 2.5 से ज़्यादा है तो वैसी स्थिति में जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी हम हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर करते हैं, क्लियर है। नाइट्रोजन का जो EN वैल्यू है आपको पता है ये कितना होता है 3.5, तो इसका मतलब इस लोन पेयर को भी हम कंसिडर करेंगे किस में, हाइब्रिडाइजेशन में। तो एक सिग्मा यहाँ कोऑर्डिनेट से और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल sp2 हो जाएगा, ठीक है ना, sp2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा।